लेमन राइस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देखेंगे और ये इंग्रेडिएंट्स का डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट किया जाएगा। पहले मैं लिया है 3 प्याज, 3 प्याज कट कट के रखी हूँ, थोड़ा स्प्रिंग ऑनियंस, आधा नींबू, थोड़ा धनिया पत्ता, करी पत्ता, उड़द दाल, बादाम, चना दाल, हरी मिर्च, जीरा, सरसों के बीज, रिफाइंड ऑयल, हल्दी और थोड़ा नमक। स्टोव पे कढ़ाई रख कर वो गर्म होने के बाद रिफाइंड ऑयल डालना। वो भी गर्म होने के बाद सरसों के बीज और जीरा डाल के वो छट पटाने के बाद बादाम, चना दाल, उड़द दाल और करी पत्ता डाल के 1 मिनट तक फ्राई करना। उसके बाद कट किया हुआ प्याज डाल के 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद प्याज ऐसा दिखेगा। तो उसके बाद हरी मिर्च और स्प्रिंग ऑनियंस मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 1/2 टीस्पून तक हल्दी मिक्स करना है उसमें। दोस्तों, लेमन राइस में ये हल्दी और नींबू एक मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसीलिए ये दोनों इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए मत भूलिए। इसमें मैं 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद उसको भी मिक्स करना है। फाइनल इंग्रेडिएंट है ये हमारा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डाल के थोड़ा सेकेंड्स तक मिक्स करना पड़ेगा। स्टोव से उतार के ये ठंडा होने के बाद नींबू ऐड करना। दोस्तों, ये नींबू ठंडा होने के बाद ही ऐड करना। अगर आप गरम में ऐड किया तो वो बिटर और कड़वा टेस्ट बन जाएगा। फाइनली राइस डाल के मिक्स करना है। अब लेमन राइस इज रेडी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।